नमक ज्यादा है इसमें, सामग्री ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कत होगी पीसने में। ऐसे करके आप बीच बीच में ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे आप चला दें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। आपके आशा करती हूँ आपके नवरात्रों के दिन अच्छे बीत रहे होंगे और व्रत भी रखा होगा आप लोगों ने। फ्रेंड्स, हम लोगों का तो इस बार व्रत रखने जैसा तो नहीं था। मैंने बताया आपको, हमारे चाचा ससुर एक्सपायर हुए थे और एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के आशा करती हूँ कि अच्छे जा रहे होंगे, खूब व्रत रखे होंगे आपने और पूजा पाठ कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भांग भांग वाला नमक। उस दिन मैंने भांग वाली चटनी बनाई थी फ्रेंड्स, ये विधि वैसी ही है, इसमें सामग्रियाँ भी सेम है लगभग। और आप थोड़ा ज़्यादा पीस के रख लीजिए, ये सूखा है, ये चटनी से ज़्यादा चल जाता है क्योंकि ये सेम नमक जैसा होता है। आप इसको आराम से 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन ऐसे रख सकते हैं, ज़्यादा भी पीस के ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि ये सूखा है और ये खराब भी हमें है। चाहिए सामग्री, चलिए ये भांग है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। आपको ज्यादा बनाना है, ज्यादा कम बनाना है कम, ये धनिया, हरा धनिया, ये हरा धनिया अगर होगा तो फ्रेंड्स वैसे जरूरी है, ये स्वाद बढ़ेगा इसमें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भांग से भी स्वाद आ जाता है। आप ये धनिया के बीज मिला सकते हैं या सूखा धनिया भी आप, पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर अगर ये होगा तो ये जरूर स्वाद बढ़ेगा। और धनिया के आप बीज लीजिए फ्रेंड्स, ये धनिया पाउडर मिलाने से अच्छा धनिया के बीज होंगे क्योंकि इसमें स्वाद आएगा। इसे मैंने धनिया और जीरा, ज़्यादा धनिया और जीरा मिला रखा है, इसके साथ साथ मैंने ये खड़ा धनिया भी लिया है फ्रेंड्स, मैंने स्वाद आ जाता है ऐसे। और इसमें ये अपने जितना आप खाते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और सबसे ज़रूरी चीज़ नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा लीजिए फ्रेंड्स क्योंकि ये हम नमक ही बना रहे हैं। और इसमें आप हरी मिर्ची भी पीस सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे उसे मैंने चटनी के लिए बताई थी, लेकिन आज मैं ये पीस रही हूँ। अगर आपके पास है और अगर आप पसंद करते हैं तो आप अदरक भी डालिए इसमें, अदरक से भी स्वाद बढ़ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये भांग, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, इसको साफ कर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें छिकल नहीं होने चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेहत के लिए सही नहीं रहता है, तो आप इसको साफ कर सकते हैं या साफ करके रख सकते हैं। वैसे तो मैंने साफ किया था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी रह जाता है तो ये मुझे दिख रहा है। ऐसे ऐसे करके आप इसके छिकल निकाल लीजिए दोस्तों, ये ऐसे करके आप ऐसे ऐसे दानों को ऐसे मारेंगे आप, या ऐसे हाथ से ऐसे पीसेंगे पीसेंगे जैसा आप इसको, या मारेंगे तो ये इसमें से छिकल निकल जाएंगे दोस्तों। ये ऐसे करके भी आप इसे साफ कर सकते हैं, ऐसे करके फिर आप इसको ऐसे फटक लीजिए दोस्तों। तो जैसे सुप्पे में फटकते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में, तो दाल प्लेन वाले भी फटकती है। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए दोस्तों, लेकिन इसे साफ करिए तो ये आपको स्वाद भी नहीं लगेगा, दूसरा ये सेहत के लिए भी हानिकारक है अगर इसमें ऐसे कूड़ा करकट हो तो। इससे पहले आप तवा गर्म कर लीजिए दोस्तों, सेम वही विधि है, मैंने आपको भांगी चटनी बनाई थी बताई थी, सेम वही विधि है इसकी भी। और ऐसे भंगीरा, जैसे मैंने बताया था भंगीरे का भी की चटनी और ऐसे बनती है। फिर आप के लोगों के अलग अलग मेथड होते होंगे, कोई कुछ और मिक्स कर लेता होगा, इसे आप मिक्स नमक भी कह सकते हैं, आप इसे पहाड़ी नमक कह सकते हैं, मिक्स नमक कह सकते हैं, या स्वाद वाला नमक कह सकते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। और इसे आप जैसे सलाद में मिला सकते हैं, या आप जैसे पहाड़ में माल्टा होते हैं, नारंगी होते हैं, किन्नू होते हैं, उनके साथ इसे आप खा सकते हैं। और इसे जैसे खाने में अगर कोई ज़्यादा नमक खाता है परिवार में, कोई कम नमक खाता है वो भी खा सकते हैं। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि बीपी वालों के लिए भी ठीक है, जो ज़्यादा नमक खाना जिनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि मिक्स नमक है। बहुत लोग तो मैंने देखा है फ्रेंड्स, अभी भी लोग कहते हैं कि जो मैंने देख रखा हमारे गाँव में बड़े बूढ़े बहुत कहते हैं कि जो अगर इसके साथ आप उस दिन तो सिर्फ भांग ही भांग थे बूटी थी फ्रेंड्स, थोड़ा देर भांग को भूटने दीजिए, उसके साथ फिर हम ये दो भी इसमें भूट लेंगे तो पीसने में आसानी होगी फ्रेंड्स। ये बोल रही थी, बहुत लोग तो बोलते हैं कि अगर जैसी तैसी सब्जियां जो टेस्टी सब्जी नहीं हो तो इससे, तो बहुत लोग कहते हैं कि हम अगर विश्वास सब्जी टेस्टी नहीं बनी हो तो हम नमक के साथ भी चाय और दूध के साथ सुड़के लगा के हम रोटी खा लेते हैं या पराठा खा लेते हैं, कॉफ़ी हो तो और भी सही है। लेकिन बहुत लोग
ये अच्छा नहीं मानते, इंसल्ट जैसे मानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अपना अपना स्वाद है। लोग सोचते हैं कि हम नमक के साथ खा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये भी इसमें बहुत सी चीजें मिली रहती हैं, तो कभी कभी स्वाद बदलने के लिए बहुत लोग नहीं खाते हैं, मतलब सब्जी पौष्टिक भी मुझे पता है और पसंद भी नहीं करते हैं कि नमक खा रहे हैं, कि सब्जी नहीं है क्या खाने के लिए। तो बच्चे जैसे बहुत लोगों के बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो सब्जी वगैरह कम खाते हैं, तो सब्जी तो खिलानी चाहिए, लेकिन जैसे हर टाइम तो आप उन्हें बना नहीं सकते, तो ये भी आप दे सकते हैं इस टाइप के नमक। आप अलग जैसे मुझे मैंने आपको उस दिन अदरक लहसुन का नमक बताया था, तो नमक क्या फ्रेंड्स एक सब्जी आप समझ लीजिए, या भांग का नमक है, या उस दिन धनिया का नमक मैंने आपको बताया था, उसमें इतनी चीजें होती हैं कि सिर्फ सब्जी कम होती है। सब्जी क्या आप ये हरा देंगे, ये भी इसमें भी ये भी एक तरफ से हरी सब्जी की तरह आप ले लीजिए, ये भी हरा है, इसमें भी है पौष्टिक तत्व, और ये भांग वगैरह ये मसाले तो हैं ही, ये इनके साथ सब्जी हो तो और भी अच्छा है। मेरे हमारे इनके जो मेरे हस्बैंड के ताई जी वो तो सब्जी कम पसंद करते हैं, सब्जी चटकने लग गए ऊपर, मतलब तवे से भार को चटकने लग गए, गर्म होके भार गिरने लग गए हैं, और इसमें ये चरचर की आवाज होने लग गई है, देखिए आप चटकने की आवाज होने लग गई है, तो थोड़ा बिल्कुल कम आंच करके आप इसे ढक दीजिए दोस्तों, ऐसे इसको थोड़ा देर इसको भुनने देते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, आप ध्यान रखिए कि आपको भूनना है इसे, जलाना नहीं है, तो आपको ब्राउन करना है इसे, ये जलाएंगे तो ये काला हो जाएगा और कड़वा स्वाद आएगा इसका, बीच बीच में आप चेक भी कर लीजिए ध्यान से। इसमें मैंने इसे मिर्ची और धनिया इसलिए डाला क्योंकि धनिया में तो फ्रेंड्स स्वाद आ जाता है, और मिर्ची ऐसा होता है, मिर्ची में तो खैर सेम ही रहता है, लेकिन ये होता है कि पीसने में आसानी होती है, और क्यों नहीं भुट भुट के ये इसमें भी स्वाद आ जाता है थोड़ा, क्योंकि भुट जाती है ये चिली फ्लेक्स वगैरह जो होते हैं, जो कूटी हुई मिर्ची होती है, वो तो फ्रेंड्स ऐसी बनती है शायद, ये मिर्ची भून के बनाते हैं क्योंकि ये कूटने में आसानी होती है। हमारे यहाँ पर आलू तो खैर ऐसे ही कूट लेते थे, जो से उखल में ओखली में कूटते थे पहले, ओखल होते हैं अभी गांव में, हमारे वहाँ ओखल कहते हैं, जिसे प्लेन्स में ओखली कहते हैं, हमारे वहाँ ओखल कहते हैं। ये फ्रेंड से ये भूटने लग गया है, वैसे मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, मैंने बताया था ना तो स्वाद चेंज हो जाता है, बहुत टेस्टी होता है कच्चे भांग के मुताबिक, और ये इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है फिर स्वाद में, ये ज्यादा टेस्टी होती है, इसमें खुशबू भी आ जाती है, और ये इससे बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये अब वैसे भुट गया है, थोड़ा देर इसको आप और रहने दीजिए दोस्तों, अच्छे से जो जो दाने इसके जो जो भांग अच्छे से भुटी नहीं है वो ये भुट जाए। जैसे आप अनार में भी कोई सादा पसंद नहीं करता तो ये नमक लगा के खा सकते हैं, बहुत चीजों में बन जाएगा, तो फ्रेंड्स आप रख लीजिए, अगर नमक कम लगता है तो ज्यादा मिला लीजिए, और ज्यादा पसंद करते हैं तो पहले ज्यादा मिला लीजिए, लेकिन कोई लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि नमक में भी वो नमक कम पसंद करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि, और एक तरफ से ठीक भी है, सिर्फ उन्हीं चीजों का नमक का ही स्वाद आ जाता है, इन चीजों का स्वाद कम आता है। इसको थोड़ा देर और भूखेंगे, इसे थोड़ा ऐसे गर्म तवा है, आप रख दीजिए बंद करके, थोड़ा देर रख दीजिए, दो तीन मिनट आप रख दीजिए, दो तीन तीन चार मिनट ये, और जो अच्छे से घुटी नहीं है वो भी घुट जाएगी, और थोड़ा ये ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि बहुत गर्म
पीसने में भी दिक्कत होगी आपको मिक्सी में, मिक्सी ज़्यादा गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर भी पीसने में दिक्कत होगी। इसको थोड़ा 2-3 मिनट बाद मोटे हुए पैन तो हो गए हैं, और 2-3 मिनट इसको अब हम, ये वैसे थोड़ा गर्म तो है लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब 3-4 मिनट हो गए हैं इसको, 3-4 मिनट हो गए होंगे, तो इसको आप इसमें ट्रांसफर कर लीजिए। आप पहले इस एक प्लेट में निकाल लीजिए, आपको अगर तो थोड़ा गर्म तो होता ही है, इसमें डालने में दिक्कत होगी, तो आप ऐसे कर लीजिए प्लेट में निकाल लीजिए, इसमें से आप फिर आराम से इसमें डाल सकते हैं। सब हो गया है दोस्तों, इसमें फिर आप डाल लीजिए नमक, और इसमें आप ये डाल दीजिए ढेर सारा ये धनिया, जितना होगा फ्रेंड्स उतना ही स्वाद आएगा। फ्रेंड्स इसको आप मिक्सी में पीस देंगे, आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन मिक्सी में सहूलियत तो ज़्यादा है, ज़्यादा हो तो मैं सही पीसती हूँ, और जिस समय जल्दीबाजी हो या सिलबट्टे में पीसने का मन नहीं करे तो इसमें मैं पीसती हूँ। उस दिन मैंने जो धनिया वाला नमक तो सिलबट्टे में पीस के बताया था फ्रेंड्स आपको अभी, और बीच बीच में ये भांग का नमक भी पीसती रहती हूँ, मैं आपको बताऊँगी बाद में सिलबट्टे में पीसना। इस फ्रेंड्स बीच बीच में क्योंकि नमक ज़्यादा है इसमें, सामग्री ज़्यादा है तो थोड़ा दिक्कत होगी पीसने में, ऐसे करके आप बीच बीच में ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे आप ये देखिए पैन से पीस गया, अच्छे से पीस गया क्योंकि बूटी भी भांग थी ना, देखिए आप ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसे जितना मेन करेंगे दोस्तों उतना ही टेस्टी होगा, तो इसे मैं अभी 1-2 बार और चला देती हूँ। मैंने बताया फ्रेंड्स बहुत लोगों को मैंने कहा जैसे वैसे सब्जी से ये भांगे या ऐसे कोई टेस्टी नमक हो तो उसके साथ पसंद करते हैं, हमारे जो ताई ताऊ हैं मेरे हस्बैंड के, वो तो ताई जी तो बोलती हैं कि अगर सब्जी स्वाद विश्वास सब्जी से तो मैं नमक के साथ ही पसंद करती हूँ, या जैसे भांग का नमक हो या धनिया का नमक हो, क्योंकि वो बेचारे पीस नहीं पाते हैं, लेकिन किसी किसी में थोड़ा थोड़ा पीस देते हैं, उनके बेटे आते हैं तो वो पीस देते हैं, वो बेटे बहू तो खाते हैं सब्जी ज़्यादा, लेकिन वो अम्मा बहुत कम खाती हैं, हम लोगों से बहुत कम खाती हैं, उनके बच्चे तो खाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सब्जी कम पसंद करती हूँ, नहीं तो ये जैसे जैसे सब्जी हो तो उससे ये पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोगों से कम खाते हैं सब्जी पैन से वो, और वो बोलती हैं कि अगर साथ सब्जी ना हो या मन पसंद किसी, क्योंकि बहुत कम सब्जियाँ खाते हैं वो, पहले तो खाते थे लेकिन अब बुढ़ापे में किसी का ये ऐसा स्वाद कम हो जाता है, तो वो कहते हैं कि ये नमक वगैरह हो तो स्वाद मानते हैं, जैसे लहसुन का नमक, ये नमक पौष्टिक भी हुआ पैंस, और दूध वूध लगाए रहते हैं बहुत, क्योंकि गाय वैसे नहीं पाल सकते हैं हम, अपने लिए दोनों जने हैं पर आप तो लगाए रहते हैं दूध, तो वो दूध दूध वगैरह पी लेते हैं इसके साथ, या चाय कॉफ़ी, पहले तो गाय पाली थी उन्होंने अपनी, वो कर सकते बच्चे आते। मेरे ख्याल से हो गया है दोस्तों, ये अगर आप ज्यादा पीसा पसंद करते हैं तो और पीस सकते हैं, ये ठीक है। और फ्रेंड्स आप इसे एक
प्लेट में निकाल लीजिए अभी। उसके बाद आप इसे आप एक प्लास्टिक के छोटे डब्बे में, या आप जितना बड़ा ज़्यादा पीस है तो आपने बड़े डब्बे में या छोटे डब्बे में आप इसे आराम से रख सकते हैं। ये बहुत दिन चल जाएगा फ्रेंड्स, ख़राब नहीं होता। ये चटनी तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, और अगर आपने चटनी बनानी है फ्रेंड्स तो इसमें ये ज़्यादा नमक तो ज़्यादा होगा, इसकी चटनी बहुत हो जाएगी, और इसमें क्योंकि ये चटनी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नमक चटनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से आप थोड़ा ले सकते हैं, जैसे आप इतना ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा है। और इसमें आप फ्रेंड्स इसमें आप कालची नींबू या पानी और मीठा ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ये चटनी भी बन जाएगी फ्रेंड्स। इसी से आप चटनी भी बना सकते हैं, और आप हरा धनिया और ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें चटनी बना रहे हैं तो हरा धनिया और जीरा और ऐड कर सकते हैं। चख के बताती हूँ कि कैसा हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है फ्रेंड्स। ये नमक मैंने आपको बताया, जैसे कि आप जो पहाड़ में नारंगी होते हैं, माल्टा होते हैं, या किन्नू वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। इस नमक को आप मूली के सलाद में भी, या प्याज का सलाद, किसी भी सलाद में आप मिक्स करके खा सकते हैं दोस्तों। और ये नमक बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, और यह नमक आप किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, या जब खाने में कम हो नमक तभी भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। आज हमने बताया आपको भांग का नमक। ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है दोस्तों तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है उषा ब्लॉग्स। और कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी पेशी है तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।